दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के आन पर। दोस्तों आज है 24 जनवरी 2020, एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। 85,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें से कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये बड़ी भर्ती निकली है। पोस्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सेविका, आशा सहयोगिनी, DPO और परियोजना अधिकारी की। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसीज की बात की जाए तो 85,523 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसीलिए आप नोटिफिकेशन से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो 8वीं 10वीं 12वीं पास और साथ साथ डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष मेल कैंडिडेट्स के लिए है जबकि 18 से 50 वर्ष फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर, बिना एग्जाम और बिना किसी इंटरव्यू के ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो UP, बिहार, राजस्थान, HP जॉब लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप यूपी का नोटिफिकेशन देख सकते हो जो कि न्यूज़पेपर का नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अभी आंगनवाड़ी की इन भर्तियों के लिए न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, आप चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 31,000 खाली पदों को भरने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 9,513 पद है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 5,033 है, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 16,432 है, टोटल 30,978 है। यह यूपी के अंतर्गत यहाँ पर 31,000 खाली पदों को भरा जाएगा और साथ साथ यूपी के अंतर्गत ही 2,700 पदों को भी भरा जाएगा। इसमें यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सुपरवाइजर समेत यहाँ पर DPO की भर्ती की जाएगी, 2,700 यहाँ पर खाली पद है, ये भी आप चेक कर सकते हो। साथ साथ उसके बाद आप यहाँ पर आंगनवाड़ी बिहार की नोटिफिकेशन ये चेक कर सकते हो। अब आंगनवाड़ी में यहाँ पर 41,406 खाली पदों पर बहाली की जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो 23,000 आंगनवाड़ी सेविका है और साथ साथ जो बाकी की जानकारी है वो आप पूरी हिंदी में PDF पढ़ सकते हो। साथ साथ आंगनवाड़ी के 10,000 पदों पर भी भर्ती की जाएगी, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत भर्ती की जाएगी 10,000 खाली पदों के लिए, सहायिका, आशा सहयोगिनी, सुपरवाइजर आदि के पदों के लिए यहाँ पर महिलाओं से जल्द ही आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 418 खाली पदों के लिए आंगनवाड़ी वर्करों की भर्ती की जाएगी, ये HP के अंतर्गत है। जी हाँ दोस्तों, UP के लिए 2 नोटिफिकेशन है न्यूज पेपर के और साथ साथ यहाँ पर ये बिहार के लिए नोटिफिकेशन है, ये राजस्थान के लिए नोटिफिकेशन है और ये HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के लिए नोटिफिकेशन है, जो आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो। लास्ट डेट की बात की जाए तो आप जल्दी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकोगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी इस भर्ती की डेट घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, वन विभाग के अंतर्गत बड़ी भर्ती निकली है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी कि वन रेंज अधिकारी या असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर यानी कि सहायक वन संरक्षक की भर्ती निकली है। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सेली आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री धारक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। rpsc.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। डेट की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 4 फरवरी 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 फरवरी 2020 है।
जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन की अगर बात कीजिए तो आप इसका यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। शुद्धि पत्र 21/2019-2020 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 21 जनवरी को ये ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। सहायक वन संरक्षक के लिए यहाँ पर 99 वैकेंसीज है, और वन रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर 105 वैकेंसीज निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आप इस टेबल से सिंपली चेक कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रोल डाउन करोगे तो पोर्टल दिया गया है rpsc.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov.in पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 4 फरवरी से 23 फरवरी तक रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक डीएक्टिवेट करा दिया जाएगा, आप उसके बाद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन सभी दिए गए हैं जिनकी मदद से आप सिंपली इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन की तिथि 7 मार्च 2020 से 16 मार्च 2020 तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। और साथ साथ दोस्तों, ये पूरी PDF है जो आप अप्लाई करने से पहले पूरा रीड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में, भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के अंतर्गत जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकली है। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सैलरी 17,100 से 55,100 प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए भी ग्रेजुएट डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 28 वर्ष है। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे। बात अगर एग्जाम पैटर्न की जाए तो आप इसका पैटर्न भी सिंपली चेक कर सकते हो। रीजनिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स भी 50 है। इंग्लिश यहाँ पर मीडियम रहेगा। टाइम की बात की जाए तो 40 मिनट का टाइम है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 40 ही मैक्सिमम मार्क्स है, 30 मिनट का टाइम है। क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है और 40 मिनट का इसके लिए टाइम है। इसी तरह जनरल अवेयरनेस, साथ में यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग के लिए देख सकते हो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 20 मिनट का टाइम है। कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स होंगे और 10 मिनट का टाइम है। टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, 140 मिनट का इसके लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। iibf.org.in का ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। डेट की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2020 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट 8 मार्च 2020 है। बात अगर इसकी नोटिफिकेशन की जाए तो आप यहां से पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहां पर 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। जो प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास यहां पर ग्रेजुएट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मांगी गई है। एज लिमिट मैक्सिमम 28 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। 8 मार्च को इसका यहाँ पर एग्जाम हेल्ड होगा। आप चेक कर सकते हो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली और साथ साथ उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ यहाँ पर आप पैटर्न चेक कर सकते हो जो कि हम आपको पहले ही डिटेल में बता चुके हैं। सेली आप चेक कर सकते हो, यहाँ से डिटेल में जानकारी दी गई है। अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर दिया गया है, साथ साथ यहीं पर आपको अप्लाई ऑन का लिंक भी दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। अप्लाई का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिससे आप इस भर्ती के लिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट 4th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड में। शिक्षक भर्ती बोर्ड के अंतर्गत पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बड़ी भर्ती निकली है। 1060 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 56,100 से 1,77,500 लेवल 22 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो डिग्री धारक, पीजी डिग्री धारक और इंजीनियरिंग डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 27 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। जनरल या ओबीसी के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क है। SC ST PWD के लिए 300 रुपये है शुल्क। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। चेन्नई, तमिलनाडु जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। trb.tn.nic.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 फरवरी 2020 है। जहां दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहां पर डेट घोषित कर दी गई है, आप चेक कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये भर्ती का नोटिफिकेशन 2019 में इसके ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड किया गया था। जी हां दोस्तों, 27 नवंबर 2019 को ये अपलोड किया गया था। इसकी डेट पहले घोषित नहीं की गई थी। अब इस भर्ती के लिए ऑनलाइन करने के लिए डेट घोषित कर दी गई है और अप्लाई
अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी इसके पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 जनवरी 2020 थी, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 फरवरी 2020। शाम 5 बजे तक आप फाइनली फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मई 2020 में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर डेट का पूरा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, और साथ साथ दोस्तों जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर पहले जारी किया गया था इसके ऑफिशियल पोर्टल पर 27 नवंबर को, वो आप यहां से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर 1060 वैकेंसीज निकली थी और साथ साथ डेट यहां पर डिक्लेयर नहीं की गई थी पहले, उसके लिए यहां से आप ये डेट चेक कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों यहां पर वैकेंसीज की बात की जाए तो यहां पर आप चेक पूरी डिटेल में कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर टोटल 112 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 219 है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 91 है। इसी तरह आप यहाँ से पूरी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। और जैसे आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी जानकारी आपको डिटेल्स में दी गई है, और साथ साथ क्या पैटर्न रहने वाला है वो भी आप चेक कर सकते हो। यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स में पूरी जानकारी दी गई है। जी हां दोस्तों, जैसे आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी गई है, मेन एग्जाम के लिए मेन सब्जेक्ट के लिए यहां पर मार्क्स 100 रहेंगे, 100 मैक्सिमम मार्क्स है यहां पर, और साथ साथ जनरल नॉलेज के लिए यहां पर देख सकते हो 10, और साथ साथ टोटल की बात की तो यहां पर 190 हैं और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 घंटे का यहां पर टाइम रहेगा। जी हां दोस्तों, ये पूरा पैटर्न है जो आप एग्जाम देने से पहले पूरा रीड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, एम्स के अंतर्गत, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। सैनियर रेजिडेंट के यहाँ पर भर्ती निकली है, वेरियस वैकेंसीज है, सैलरी 67,700 लेवल 11 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट इंडियन डेंटल डिग्री यानी कि MDS अप्लाई कर सकते हैं, 45 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है, जनरल या OBC के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क है, SST के लिए 800 रुपये शुल्क है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। रायपुर छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। aims.rayapur.edu.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 फरवरी 2020 है। बात अगर नोटिफिकेशन की जाए तो आप इसकी भी नोटिफिकेशन यहां से चेक कर सकते हो। जी हां दोस्तों, ओपनिंग डेट 21 जनवरी 2020 थी, ऑनलाइन करने की लास्ट डेट 10 फरवरी है। साथ साथ यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है, और साथ साथ यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड पूरी जानकारी डिटेल्स में दी गई है, और टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों ईमेल आईडी दी गई है, हेल्प के लिए अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिंपली इस भर्ती के लिए आप इनकी मदद से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी PDF आप यहाँ से रीड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 6 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए भर्ती है, जो कैंडिडेट टीचिंग सेक्टर में यहाँ पर करियर बनाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, बम्पर वैकेंसीज निकली है, सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। इसके लिए सैलरी 29,900 से 1,04,400 रहेगी, 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है, जनरल या अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क है, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क है। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, MP ऑनलाइन कियोस्क फी मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पर, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मध्य प्रदेश MP जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। pb.mp.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 फरवरी 2020 है। ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 9 फरवरी 2020 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड होगा 25 अप्रैल 2020 को। बात अगर इसकी नोटिफिकेशन की जाए तो आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन भी यहाँ से सिंपली रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 6 जनवरी से भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 4 फरवरी है। और साथ साथ यहाँ पर आप जैसे आप इस भर्ती के PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे, आवेदन शुल्क की जानकारी दी गई है, और यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न पूरा दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर आपको डेट दी गई है, किस टाइम यहाँ पर आपका एग्जाम होगा वो आप पूरा यहाँ से इस टेबल से रीड कर सकते हो। जैसे आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ दोस्तों, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, TET के माध्यम से भर्ती की जाएगी, बड़ा एग्जाम है, बम्पर वैकेंसी होने जा रही है, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो।
टीचर्स के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है जो टीचिंग सेक्टर में अपनी करियर बनाने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ भी आप पूरा रीड कर सकते हो और बाद में एलिजिबिलिटी मैच करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 24 जनवरी 2020 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं और साथ साथ दोस्तों आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।